हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। और यह वीडियो जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे पास एक बुक है एस आर कांतवा की, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, जो कि 21 एडिशन का है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसका प्लांट पैथोलॉजी वाला पोर्शन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन 1845 द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप ऑफ आयरलैंड वाज केस बाई। मतलब इसमें कहा है कि 1845 में आलू के लेट ब्लाइट ने आयरलैंड की आलू की फसल को नष्ट कर दिया था, इसका कारण क्या था? तो इसका आंसर है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान है, जो कि पहला है ऑप्शन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दूसरा है कि इन 1943 बंगाल हैड फोर्स इस सीरियस फेमिन विच केस ए ग्रेट लॉस इन राइस यील्ड वाज केस्ड बाय। मतलब इसमें कहा है कि 1943 में बंगाल को एक गंभीर अकाल का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण चावल की उपज में जो था भारी नुकसान हुआ था, कारण क्या था? तो इसमें पहला ऑप्शन है, जो कि राइट है, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी। अब अगला देखते हैं। तो तीसरा है इसमें, इसमें दिया गया है कि कौन सा रॉन्ग पेयर है और हमें इस उसका चयन करना है। तो दिया गया है, पहला है ऑप्शन में है एंडेमिक, जिसको दिया गया कॉन्फिनेड टू पर्टिकुलर कंट्री डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन। मतलब है इसका कि किसी विशेष देश जिले या स्थान तक सीमित रहता है। एपिडेमिक में क्या हुआ है कि द डिजीज़ विच अपियर वेरी वेरुएंटली एमोंग द पीपुल, मतलब लोगों के बीच बहुत ही खतरनाक रूप से प्रकट होने वाली बीमारी है। तीसरा दिया गया है कि ईपी फाइटोटिक, तो इसमें आता है द डिजीज़ विच अकर विडुअली बट पीरियोडिकली। इसका मतलब है कि वह बीमारी जो व्यापक रूप से लेकिन समय समय पर होती है। और चौथा स्पोरोडिक, स्पोरोडिक में दिया है कि डिजीज विच अकर एट वेरी इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन। मतलब इसमें वे रोग आते हैं जो बहुत अनियमित अंतराल व स्थान पर होते हैं। और पांचवा दिया गया है पेंडेमिक, तो इसमें दिया है कि डिजीज नॉट प्रिलिवेंट थग आउट द कंट्री कॉन्टिनेंट और द वर्ल्ड। तो इसमें इसका मतलब है कि देश महाद्वीप या दुनिया भर में प्रचलित नहीं, जो कि ये गलत है, पेंडेमिक में जो है यह गलत है। तो इसका चौथा ऑप्शन हुआ है। अब फिर अगला दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट। तो मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। चौथे में आपका ये सही है, डी वाला। इसमें आता है इन्फ्लेक्शन, और उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बाद इन्वेशन, उसके बाद कोलोनाइजेशन आता है। फिर अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है हु इज़ फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी के पिता जो हैं एंटमन डी बेरी हैं। तो अब छठवां देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है हु एडवांस द जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट
एंड ससेप्टिबिलिटी इन 1946 1946 में जो है डिजीज रेजिस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी का एडवांस मॉडल किसने दिया था जीन का, तो इसमें आते हैं आपका ऑप्शन है ए फ्लोर आते हैं। अब फिर अगला है हु डिस्क्राइब द फर्स्ट प्लांट नेमेटोड डिजीज द सीड गॉल केजेस बाय एग्विना टिटिसाई इन 1743 AD। किसने डिस्क्राइब किया था एग्विना टिटिसाई के बारे में 1743 में, तो इसमें है आपका आंसर नीदाम जी ने किया था। अब अगला आठवां देखते हैं, तो इसमें है हु इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन नेमेटोलॉजी, तो इसमें आंसर है आठवें में एन ए कोप जी ने किया था। अब नौवां देखते हैं, तो इसमें दिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम हु रिपोर्ट दैट ए प्लांट डिजीज, कौन सा डिजीज था वो फायर ब्लाइट ऑफ पियर वाज केस बाय ए बैक्टीरियम, कौन सी बैक्टीरिया था इरविनिया आर्मी लोरा इन 1882, किसने किया था इसका खोज, तो इसमें आता है टी जे बुडली ने किया था। अब दसवां देखते हैं हु इज कंसीडर्ड फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी, मतलब विषाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो इसमें आते हैं बीजी निक आते हैं। तो ऑप्शन ए वाला है इसमें। अब फिर ग्यारहवां देखते हैं द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड फंजाई इन इंडिया, तो इसमें हैं के आर कृतिकर हैं। और फिर अगला देखते हैं फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट वाज रिटन बाय 1918, तो इसे ईजे बटलर जी ने लिखा था। अब तेरहवा आता है फंजाई एंड प्लांट डिजीज वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा हुआ था, तो ये जो है बीबी मुंडाकुर जी ने लिखा था। अब चौदहवा आता है कि इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है, तो इसमें जो है आपका रॉन्ग पेयर जो है नेक्रोसिस डेथ ऑफ प्लांट लिखा हुआ है इसमें, जो कि ये गलत है। अब फिर पंद्रहवा आता है ए बैक्टीरिया विच हैव ए लार्जर नंबर ऑफ फ्लैजिला ऑल ओवर द सेल इज कैटेगराइज इन, वह किस कैटेगरी में आता है, तो यह पैराट्राइकस है इसमें। अब सोलहवां देखते हैं, इसमें लिखा हुआ कि इन बैक्टीरिया वेरिएबिलिटी इज केस्ड बाय, तो इसमें लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया में परिवर्तनशीलता किसके कारण होता है, तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है ऑल ऑफ दिस। तो कॉन्जुगेशन भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ट्रांसडक्शन भी होता है। तो सत्रहवां देखते हैं इसमें द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो ब्लैक लेग पैथोजन इज, तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही है इरविनिया कैरोटोवोरा है। और अब अट्ठारहवां देखते हैं, तो जेसी लूथर एंड हीज एसोसिएटेड डेवलप्ड द सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ वीट सीड फॉर द कंट्रोल, किसके कंट्रोल के लिए इन्होंने किया था, तो ये है ऑप्शन आपका सही, इसमें लूज स्मल्ट के कंट्रोल के लिए किया गया था, तो जेसी लूथर और उनके सहयोगियों ने किसके नियंत्रण के लिए गेहूं का सौर ताप से उपचार विकसित किया था, तो लूज स्मल्ट के लिए था ये।
और फिर 19वां है, हु डन मोस्ट ऑफ हिज वर्क ऑन रस्ट डिजीज इन इंडिया, जिन्होंने भारत में रतुआ रोग पर अपना अधिकांश कार्य किया था वो कौन थे? तो इसमें है ऑप्शन में आपका केसी मेहता जी हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अब 20वां देखते हैं, तो 20वें में दिया गया है कि साइट्रस कैंकर विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना इज कॉजस बाई पैथोजन, मतलब किस पैथोजन के कारण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला है, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, पीवी साइट्रसी। अब 21वां देखते हैं कि इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है। तो रॉन्ग पेयर आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही है। तो रॉन्ग पेयर के रूप में आपका अर्गट ऑफ बाजरा, जो कि इर्विनिया कैरोटोवोरा के कारण होता है, यह गलत है इसमें। अब अगला देखते हैं, कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो कैन बी कंट्रोल बाई रिड्यूसिंग पीएच बिलो 5.2 इज कॉजेस बाई द पैथोजन। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिटिस स्कैबिस द्वारा होता है। अब साइट्रस ग्रीनिंग डिजीज मेनली कन्फाइंड टू, मतलब किस एरिया तक क्या सीमित है? तो साइट्रस ग्रीनिंग जो है ये आपका नॉर्थ इंडिया तक सीमित है। अब 24वां लिखा है कि सेलेक्ट द डिजीज काजेज बाई माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको MLO भी कहते हैं। तो इसमें आपका जो है ई वाला ऑप्शन सही है। तो ब्रिंजल लिटिल लीफ भी आता है, राइस येलो ड्वार्फ भी आता है, शुगर केन ग्रेसी सूट भी आता है, और फिर सीसमम फिलोडी भी आता है। तो ये है, और उसके बाद फिर 25वां देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन बाई ओन एंजाइम। तो इनमें से वह कौन है जो स्वयं के एंजाइमों द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है? तो वायरस है जो स्वयं के एंजाइमों द्वारा क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है। 25वां था ये। और फिर अब अगला देखते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस कॉजेस बाई जेंथोमोनास ओराइजी इज कॉमनली कंट्रोल्ड बाई सीड ट्रीटमेंट एंड फोलियर स्प्रे ऑफ द केमिकल इन इंडिया। मतलब कह रहा है कि इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को कंट्रोल किस केमिकल द्वारा किया जाता है। तो इसमें है ट्रीटमेंट, सी ट्रीटमेंट और फोलियर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें है आपका ऑप्शन है, तो स्ट्रेप्टो साइक्लिन है। अब अगला है, टुंडो डिजीज ऑफ वीट काजस बाई क्लेवी बैक्टर ट्रिटिसाई इज यूजली एसोसिएटेड विथ। तो इसमें आपका आता है एग्विना ट्रिटिसाई। अब 28वां है, सैंडल स्पाइक डिजीज ऑफ सैंडल इज काजस बाई किसके द्वारा होता है? तो यह जो है आपका MLO के द्वारा होता है, माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म इसका पूरा नाम है। और फिर 29 देखते हैं, द एडजेसेंट सेल ऑफ द सेम फंगल हाइफा ब्रोगेन इनटू कम्युनिकेशन विथ ईच अदर बाय मीन्स ऑफ लूप्स इज नाउ एस। तो इसका राइट आंसर है आपका क्लैप कनेक्शन है, जो कि सी वाला ऑप्शन है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है टिक आउट द सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। तो इनमें से कौन सा सेक्सुअल स्पोर
और फंजाई है, तो इसमें है आपका जाइगो स्पोर, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही है, नहीं सीनियर डी ऑप्शन आपका सही है इसमें। अब 31 देखते हैं, हाउ मैनी एस्को स्पोर आर इनक्लोज्ड इन द मदर सेल द एस्कस इन एस्कोमाइसिटीज। तो इसमें आता है आपका आंसर है आठवां, लिखा हुआ है कि एस्कस एस्कोमाइसिटीज में मदर सेल में कितने एस्को स्पोर संलग्न होते हैं, तो आठ होते हैं इसमें। और उसके बाद फिर 32वां देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है द एस्कस इज ए सेक्सुअल फ्रूट ऑफ एस्कोमाइसिटीज हैविंग ए ग्लोबिस शेप बट नो पोस्टाइल इन इज नो एस। तो इसका सही ऑप्शन है आपका क्लिस्टोथेसिया। अब 33वां देखते हैं, तो इसमें आता है द परफेक्ट स्टेज, मतलब द परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज नॉट सीन इन, मतलब किसमें नहीं दिखता है। तो इसमें आपका है ड्यूट्रोमाइकोटीना। अब अगला देखते हैं 34वां, द ब्लैक वॉल डिजीज ऑफ पोटैटो स्पेशली कॉन्फाइंड टू दार्जिलिंग हिल इज केस्ड बाई पैथोजन, मतलब किस पैथोजन के द्वारा होता है ब्लैक वॉल डिजीज ऑफ पोटैटो। यह जो है आपका प्लाज्मोडायफोरा ब्रासिका के द्वारा होता है। और फिर अगला आता है वाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफर्स इज काजेस बाई पैथोजन, किसके द्वारा होता है एल्बिगो कैंडिडा द्वारा होता है। और फिर अब अगला है 36वां है द परफेक्ट स्टेज ऑफ कोलेट्रोट्राइकम फॉलगेटम इज, परफेक्ट स्टेज कौन सा है इसका। तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला ग्लोमेरेला टिक यूमेनेसिस है। अब 37वां देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर, इसमें से कौन सा पेयर है जो गलत है, तो इसका डी वाला ऑप्शन है रेड हॉट रॉट ऑफ शुगर केन का जो होता है कोलेट्रोट्राइकम फॉलगेटम होता है, तो ये गलत है। अब 38वां देखते हैं, तो इन यूरेडिनेलिस बेसिडिया यूजुअली बियरिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ बेसिडियस स्पोर। तो इसमें कहा है कि यूरेडिनेलिस बेसिडिया में आमतौर में कितनी संख्या में बेसिडियस स्पोर होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी वाला सही है, चार होते हैं। अब 39वें में कहा है कि सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर, इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है, तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है, रॉन्ग पेयर जो है डी वाला है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो है इजे बटलर जी नहीं है। अब अगला देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी तो इन इंडिया, तो इसमें आपका सही है इजे बटलर जी हैं। तो 41वें क्वेश्चन में दिया गया है कि प्लाज्मो डायफोरा ब्रेसिकेसी काजेज द क्लब रूट डिजीज ऑफ क्रूसीफर कैन बी कंट्रोल्ड बाई, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है पहला वाला सही है राइजिंग पीएच ऑफ सॉइल। 42वां क्वेश्चन दिया है कि द डाउनी मिड्यूल ऑफ बाजरा इज काजेज बाई, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिकोला इसका राइट ऑप्शन है, तो यह जो है सी वाला सही है इसमें। अब 43वां देखते हैं, द रस्ट फंजाई कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल ऑन वन होस्ट आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो उसे ऑटोसियस कहते हैं। तो अब अगला देखते हैं, तो 44वें में लिखा है कि द स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड टिपिकली बाई न्यूक्लिएटेड माइसिलियम
एंड मेनली फंक्शन एज रिपीटिंग स्पोर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ रस्ट डिजीज इन वीट इज कॉल्ड। तो इसका मतलब है कि बीजाणु जो सामान्यतः बाई न्यूक्लिएटेड माइसिलियम द्वारा निर्मित होते हैं और मुख्य रूप से गेहूं में जो होता है जंग रोग के प्रसार के लिए जो होता है दोहराए जाने वाले बीजाणुओं के रूप में कार्य करते हैं वे कहलाते हैं। तो वे जो हैं यूरिडियोस्पोर कहलाते हैं। तो इसमें आपका सी वाला सही है। अगला है 45वें में है कि प्रोमाइसिलियम इन रस्ट फंजाई बियर। तो इसका राइट ऑप्शन है बेसिडियोस्पोर, ये है। और फिर अगला देखते हैं 46वें में दिया है कि द डिजीज डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग ड्यूरिंग नर्सरी स्टेज इज केसेस काजेस बाई द पैथोजन, किस पैथोजन द्वारा होता है। तो इसमें जो है आपका डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि बी और सी दोनों सही है। बी में दिया गया है पिथियम एफ आर निडारमेंटम है और जो सी है पिथियम डिबेरिनम है। अब अगला देखते हैं 47वां है द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फॉर अटैक ऑफ फूड रॉड ऑफ पपाया, मतलब पपाया पर ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछ रहा है फूड रॉड के लिए अनुकूल कौन सा है। तो इसमें है 47वें का डी वाला ऑप्शन सही है, 36 डिग्री सेल्सियस। अब 48वां देखते हैं द इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज पॉसिबल बाय यूज। तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही है, ऑल ऑफ दी सबका प्रयोग किया जा सकता है। सैनिटेशन मेजर अपना सकते हैं, स्प्रे ऑफ मेटाऑक्सिल का प्रयोग कर सकते हैं और बोर्डेक्स मिक्सचर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब 49वां दिया है द बैक्टीरियल कॉलोनी इज नाउ एस, तो उसको ओज कहते हैं, सी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही है। द गमोसिस डिजीज ऑफ साइट्रस विच इज काजेज बाई फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा इज़ आइडेंटिफाइड बाई ऑब्जर्विंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन आपका डी वाला है, ओजिंग ऑफ गम, ये है। अब अगला देखते हैं, लिखा हुआ कि एल्बिगो कैंडिडा काजेज वाइट ब्लिस्टर और वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज, तो इसका जो है ऑप्शन आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ए वाला सही है। अब अगला देखते हैं, अब 52 वाला देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एल्बिगो कैंडिडा प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, तो ओ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। 53 वाला देखते हैं, तो इसमें दिया गया है द ग्रीन ईयर और डाउनी मिड्यूल ऑफ पेयर मिलेट वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन इंडिया। तो इसमें ईजे बटलर जी हैं, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 54 देखते हैं, तो लिखा हुआ है द डाउनी मिड्यूल डिजीज ऑफ पेयर मिलेट इज प्राइमली ए, किस प्रकार का डिजीज है, तो यह सॉयल बॉर्न डिजीज है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब अगला देखते हैं, अब 63वां है द मोस्ट स्ट्राइकिंग सिम्टम्स ऑफ फॉल स्मट ऑफ राइस इज, तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑल ऑफ दिस जो है। अब इसमें ए वाला दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉर्नल्स इनटू लार्ज वेलविटी ग्रीन बॉल्स, और बी वाला है समटाइम द साइज ऑफ कर्नल्स आर मोर देन ट्वाइस द डायमीटर ऑफ नॉर्मल ग्रेन, और सी वाला है द कलर ऑफ कर्नल्स फाइनली चेंज टू ग्रेनिश ब्लैक। अब अगला देखते हैं लूज स्मर्ट ऑफ वीट,
इज, तो ये किसके द्वारा होता, ये क्या है मतलब, तो ये एक इंटरनली सीडबॉर्न डिजीज़ है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही है आपका। अब 65 देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कवर्ड स्मर्ट ऑफ बार्ले इज, तो ये आपका जो है 65वें का आपका बी वाला सही है, एक्सटर्नली सीडबॉर्न डिजीज़ है। अब 66वां देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है विच फंगीसाइड गिव इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, तो इसका जो है ए वाला आपका सही है, विटावैक्स है। अब अगला देखते हैं, 67वां लिखा हुआ है कि लूज स्मट ऑफ बार्ले इज, तो ये जो है आपका इंटरनली सीडबॉर्न डिजीज़ है, ए वाला सही है। अब अगला देखते हैं, द प्लांट प्रोड्यूस ए विप लाइक ब्लैक सूट ऑफ्टन वेरी लॉन्ग एंड मच कवर्ड ऑन इट्स सेल्फ इज इन स्मट ऑफ शुगर केन इज काजेज बाई पैथोजन, तो 68 का आपका है सी वाला ऑप्शन सही है, अस्टिगो लेगो सिटमिनिया है। अब अगला देखते हैं, 69 में आपका क्या दिया हुआ है कि द फॉल्स स्मट ऑफ शुगर केन कैन बी कंट्रोल्ड बाई अडॉप्टिंग, इसको कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का अडॉप्ट करें, तो डी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही है, ऑल ऑफ दीज। तो ए में दिया गया है अवॉइड द प्रैक्टिसेस ऑफ रेटोनिंग, और उसके बाद डी साइन फैक्शन ऑफ सेट्स बिफोर प्लांटिंग, और सी में है आपका रिमूवल ऑफ स्मटेड विप फ्रॉम द फील्ड, ये है। अब 70 आपका देखते हैं, इन्फेक्शन ऑफ स्मट ऑफ मेज अकर ड्यूरिंग, तो इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही है, वेजिटेटिव स्टेज। अब अगला देखते हैं, 71 में दिया गया है कि ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम इज एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज काजेज बाई पैथोजन, तो इसका आपका सही है, स्पैसे कोथिया सोरगी, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब अगला देखते हैं, द स्मट ऑफ पियर मिलेट इज, किस टाइप का है ये, तो 72 में आपका सी वाला सही है, सॉयल बॉर्न है। अब अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है 73, द कॉमन बंट स्टिंकिन स्मट और हिल बंट ऑफ फीट इज काजेस बाय पैथोजन, तो इसका आंसर आपका सी वाला सही है, यानी कि ए और बी दोनों हैं। तो ए में है टिल्टिया ट्रिटिसाई, और दूसरे में है टिल्टिया फोइटिडा है। अब अगला देखते हैं, तो अगला है 74 में आपका दिया है करनाल बंट ऑफ वीट फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन करनाल बाई मित्रा इन, तो इसका सही ऑप्शन है 1931, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब 75 देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है द करनाल बंट ऑफ वीट इज काजेस बाई, तो निवोसिया इंडिका है, ए वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है। अब अगला देखते हैं, 76 में दिया गया है कि करनाल बंट ऑफ वीट गिव्स फाउल स्मेल इन द फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड, तो इसका राइट आंसर है आपका ट्राइमेथिलेमीन है, बी वाला आपका सही है। अब 77 देखते हैं, द काजल ऑर्गेनिज्म नेउसिया इंडिका प्रोड्यूस, तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है, टिलियोस्पोर। अब 78 वाला आपका देखते हैं, तो इसमें दिया है कि द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बंट ऑफ राइस इज, तो
78 में आपका जो है नेवोसिया होल्डियाई सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब अगला देखते हैं, 79 में आपका दिया गया है द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्लैग स्मट ऑफ वीट कैन बी डन बाई अडॉप्टिंग ऑफ, तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका सही है। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी भी है, सीड ट्रीटमेंट भी है, क्रॉप रोटेशन भी है। अब 80 वाला देखते हैं, 80 में दिया गया है ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट ऑफ वीट इज काजेज बाई, तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिस आई है इसका। अब अगला वाला देखते हैं, अब 81वां में लिखा हुआ है कि विच टाइप ऑफ स्पोर्स ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिस आई इन्फेक्टेड द बारबेरी प्लांट, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है डी वाला, बेसिडियो स्पोर्स। अब 82 देखते हैं, इन रस्ट साइकिल द सीरियल होस्ट इज इन्फेक्टेड बाई, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही है, एसीओ स्पोर है। अब 83 देखते हैं, द येलो रस्ट ऑफ वीट इज काजस बाई, तो पक्सिनिया स्ट्रियाई फॉर्मिस है और ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अब 84 देखते हैं, इन इंडिया द लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी वाज फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड इन, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही है, 1870 में हुआ था। अब अगला देखते हैं, अब 85वें में दिया है रस्ट ऑफ लिंसिड एंड फ्लैस्क इज काजस बाई, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी वाला सही है, मेलनोप्सोरा लिनी है। अब 86 देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि द रस्ट ऑफ लिंसिड एंड फ्लैस्क कैन बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाई स्प्रे, किसके स्प्रे द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, तो 86 में इसका दिया हुआ है बोरेक्स द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब 87 देखते हैं, तो 87 में है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो प्रोड्यूस, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपका क्या प्रोड्यूस करता है, तो कोनिडिया। अब अगला देखते हैं, अब 88 में है फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो विच फंगिसाइड इज मोस्ट सूटेबल, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही है, डाइथेन M45 है। अब 89 देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज, तो इसका राइट ऑप्शन है सॉइल बॉर्न डिजीज है ये। अब अगला देखते हैं, लीफ स्पॉट और टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज काजेज बाय, किसके द्वारा होता है, तो इसमें जो है आपका सी वाला ऑप्शन सही है, ए और बी में जो दोनों लिखा हुआ है उसके द्वारा होता है, सार्कोस्पोरा एराचिडिकोला और सार्कोस्पोरिडियम पार्सोनेटम द्वारा, दोनों द्वारा होता है। और अब अगला देखते हैं, तो 91 में लिखा हुआ है कि ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस इज काजेस बाई, तो ये जो होता है डेक्सलेरा ओराइजी द्वारा होता है, और आपका ऑप्शन ए वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 92 में, तो द फंगस ऑफ डेक्सलेरा ओराइजी प्रोड्यूस टॉक्सिन विच आर हाईली टॉक्सिक टू राइस सीडलिंग, नेम ऑफ सच टॉक्सिन इज, तो इसका राइट ऑप्शन है 92 वाले का, डी वाला ऑप्शन सही है, कोकली बोलिन है। अगला है द पैथोजन ऑफ राइस ब्लास्ट और रोटून निक इज, तो 93 में आपका ऑप्शन सही है बी वाला, पायरिकुलेरिया ओराइजी आपका सही है। और अब
94 देखते हैं, टी रस्ट इज कॉजेस बाय, तो 94 का ऑप्शन आपका जो है डी वाला सही है, एलगीज है। अब अगला देखते हैं, 95 में लिखा हुआ द कोलेप्टोट्राइकम फाल्केटम प्रोड्यूस, कोलेप्टोट्राइकम फाल्केटम जो गन्ने का लाल सरण रोग है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो जो है इसमें से आपका कोनिडियोस्पोर जो होता है प्रोड्यूस करता है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब 96 देखते हैं, विल्ट ऑफ पिजन पी इज काजस बाई, किसके द्वारा होता है, तो 96 में आपका सही ऑप्शन जो है ए वाला है, फ्यूजेरियम यूडम है। अब अगला देखते हैं, 97 में आपका लिखा हुआ है फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ विल्ट पिजन पी शुड बी इंटरक्रॉप्ड विथ, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सोरगम है, जिसको ज्वार भी बोलते हैं हिंदी में। 98 में लिखा हुआ है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ विल्ट ऑफ कॉटन इज, तो इसका राइट ऑप्शन है डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यूज एंड प्लॉगिंग ऑफ वेसल्स बाई हाइफा। अब 99 देखते हैं, विल्ट डिजीज ऑफ शुगर केन वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन इंडिया, किस राज्य में किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन है 99 का सी है, बिहार। और अब अगला देखते हैं, तो द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन इज, तो इसके लिए आपका बी वाला ऑप्शन सही है, माइक्रोफोमिना फेजोलिना है। तो 101वां क्वेश्चन है, द इंसिडेंस ऑफ ब्लैक स्कॉर्फ ऑफ पोटैटो इज मोर इन, तो किसमें होता है ज़्यादातर, तो या सैंडल सॉयल में होता है। अब अगला 102 है, द अटैक ऑफ सीड ब्लाइट ऑफ राइस इज मोर ड्यूरिंग, तो यह अधिकतर जो होता है एक्टिव टिलरिंग स्टेज में होता है। अब अगला देखते हैं, तो लिखा हुआ है द साइंटिफिक नेम ऑफ बोरोइंग नेमोटोड इज, तो इसका राइट आंसर है आपका डी वाला है, राडोफोलस स्पेसीज। अब अगला देखते हैं, 104वां क्वेश्चन है, द निमेटोड आर, तो इसका राइट ऑप्शन है सी वाला है, डिप्लोब्लास्टिक है। अब अगला देखते हैं, 105वां क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है द निमेटोड्स लॉक ऑर्गन फॉर, तो 105वें का जो है सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही हैं। इसमें ए में दिया हुआ है सर्कुलेशन दिया हुआ है और बी में आपका रेस्पायरेशन दिया हुआ है। अब अगला देखते हैं, विच जीनस ऑफ नेमेटोड्स हैज स्पेशल टाइप ऑफ नर्व सेल सिस्टम विच सर्व ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द नेमेटोड्स, मतलब इसका है कि सूत्रकृमि के किस वंश में विशेष प्रकार की नर्स कोशिकाएं प्रणाली होती हैं जो सूत्रकृमि को पोषक तत्व की निरंतर आपूर्ति के स्रोत के रूप में देखते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी वाला है, ऑल ऑफ दिस सब हैं। इसमें ए दिया हुआ है मेलोइडो गाइन और बी दिया हुआ है हेट्रोडेरा और सी दिया हुआ है ग्लोबोडेरा, तो इसका ऑप्शन डी वाला है। अब अगला देखते हैं, इन द अटैक ऑफ विच क्लास ऑफ नेमेटोड प्रेजेंस ऑफ वाइट टू ब्राउन सिस्ट प्रोजेक्टिन ऑन द रूट सरफेस इज ए करेक्टरिस्ट सिम्टम्स, तो इसका आपका राइट ऑप्शन है ग्लोबोडेरा, जो कि बी वाला है। अब अगला देखते हैं, तो 108वें में दिया हुआ है सेलेक्ट द नेमेटोड
विच एक्ट एज वैक्टर ऑफ प्लांट वायरस। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस, जिसमें पहले लिखा है सिफनिमा इंडेक्स, और दूसरा लिखा हुआ है लोंगिडोरस, और तीसरा लिखा हुआ है ट्राइचोडोरस। अब अगला देखते हैं, माइक्रोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन हैव हाउ मेनी लेयर। तो 109 का राइट ऑप्शन है आपका सी वाला है, 3 लेयर होते हैं। अब 110 देखते हैं, साइट्रस ग्रीनिंग काजेज बाई द। तो 110 का आपका जो है ए वाला सही है, फेस्टिडियस बैक्टीरिया के कारण होता है। अब 11 देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है द यूरिडोस्पोर ऑफ पक्सिनिया ग्रेमनीज आर डिसेमिनेटेड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए वाला, विंड। अब अगला देखते हैं, अब 112 है, जी प्लस सी कंटेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक इज। तो कितना परसेंट होता है, तो यह है ए वाला ऑप्शन आपका सही है, 20%। अब अगला देखते हैं, अब 113 है, बैक्टीरियल सेल डिवीजन मेनली बाय। तो इसमें ए वाला आपका सही है, बाइनरी फ्यूजन। अब 114 देखते हैं, शेप ऑफ MLO इज। तो इसका जो है पॉलीमॉर्फिक है, जो कि डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब 115 देखते हैं, सेल वॉल लॉक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका MLO ही है। इसमें कहा है कि कोशिका भित्ति में किस सूक्ष्म जीव की कमी होती है, तो MLO की। अब अगला देखते हैं, इसमें ट्रेकोइड एसिड फाउंड इन। तो इसमें आपका जो है आंसर है आपका ग्राम प्लस बैक्टीरिया है, जो कि वी वाला ऑप्शन है। अब अगला देखते हैं, 117 में लिखा हुआ है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है। तो इसमें लुई पाश्चर माने जाते हैं, जो कि ए वाला आपका सही है। अब अगला देखते हैं, 118 दिया गया है कि MLO फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो 118 का आंसर आपका सी वाला सही है, डोई जी ने दिया था। अब 119 में दिया है प्लांट पैथोलॉजी रिटन बाय। तो 119 का आपका बी वाला सही है, एग्रियोस है, बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है। अब 120 देखते हैं, तो प्लांट डिजीज रिटन बाय। तो 120 में आपका आर एस सिंह ने दिया था, और आर एस सिंह आपका सही है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। और 121 देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है आर एस डी इज काजेज बाय। तो 121 में आपका जो है डी वाला सही है, बोथ यानी कि बी एंड सी दोनों सही है। तो आपका बी में आपका दिया हुआ है ग्राम प्लस फास्टिडस बैक्टीरिया, और सी में आपका दिया हुआ है क्लेविबैक्टर एक्सली। अब 122 में दिया है कि MLO डिजीज ट्रांसमिटेड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन लीफ ऑफर, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अब अगला देखते हैं, तो 123 में कहा है कि इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया द ब्लैक रस्ट इनाकुलम काजेज बाय। तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला है, साउथ। अब 124 देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि टिलियोस्पोर ऑफ रस्ट हैव जर्मोस्पोर इन नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका बी वाला है, दो है। अब अगला देखते हैं, तो 125 में लिखा हुआ है अल्टरनेट होस्ट ऑफ ब्लैक रस्ट इज।
125वें में जो आपका है बारबेरी है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अब अगला देखते हैं 126वां में लिखा हुआ है कि राइस ब्लास्ट पैथोजन परफेक्ट स्टेट, तो इसमें 126वें में आपका सही है मैग्नापोर्थे ग्रीशिया, बी वाला आपका सही है। अब अगला देखते हैं 127 में आपका दिया है हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड इज यूजफुल फॉर कंट्रोल ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए वाला है, लूज स्मट के लिए होता है। अब 128वें में आपका दिया हुआ है कि स्मट ऑफ मेज काजेज बाई, तो इसका आपका राइट ऑप्शन जो है अस्टिगोलेगो माइडिस, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है वो इसमें सही है। अब अगला देखते हैं, अब 129वां है स्टरिलिटी मोजैक डिजीज ऑफ पिजन पी स्प्रेड बाय, तो इसका माइट्स है, डी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है। अब अगला देखते हैं, तो 130वें में लिखा हुआ है वायरस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, तो इसका जो है आपका ऑप्शन ए सही है, प्रोटीन है इसमें, वायरस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, तो इसमें प्रोटीन है। अब अगला देखते हैं फिलोडी डिजीज ऑफ सेसेमम स्प्रेड बाय, तो यह है लीफ हॉपर द्वारा होता है। अब अगला देखते हैं, अब 132वां देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है फंजाई इन परफेक्टी इंक्लूड्स इन, तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला, ड्यूट्रोमाइकोटीना है। अब अगला देखते हैं 133वां है रस्ट इंक्लूड्स इन, तो इसका राइट ऑप्शन है बेसिडियोमाइकोटीना, बी वाला आपका सही है। अब अगला देखते हैं 134वां लिखा हुआ है स्मट्स इंक्लूड्स इन, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है 134वें का बेसिडियोमाइकोटीना है, बी वाला सही है आपका। अब 135वें में लिखा हुआ है पाउडरी मिल्ड्यू इंक्लूड्स इन, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, एस्कोमाइकोटीना। अब 136वां देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि डाउनी मिड्यूल इंक्लूड इन, तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला, ओओमाइसिटीज। अब 137वां देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है डाउनी मिड्यूल ऑफ पी काजेज बाय, तो इसका जो है ए वाला आपका सही है, पेरेनोस्पोरा पीसी। अब 138वां देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला, ईजे बटलर जी हैं। अब अगला देखते हैं, अब 139 में दिया गया है रिनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग बिलोंग टू, तो ये इसमें कहा गया है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है प्लांट पैथोलॉजी है। अब अगला देखते हैं, अब 140वें में लिखा हुआ है इन 2005 विच पैथोलॉजिकल साइंटिस्ट गॉट बोरलॉन्ग अवार्ड, मतलब 2005 में किस रोग वैज्ञानिक को बोरलॉन्ग पुरस्कार मिला, तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका डी वाला है, एस नागार्जुन है। अब अगला देखते हैं, 141वें में लिखा हुआ है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया जनरली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका 141वें का बी डी वाला सही है आपका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है। अब अगला देखते हैं, तो 142 में लिखा हुआ है कि माइक्रोग्राफ्टिंग इज यूज टू प्रोड्यूस प्लांट फ्री फ्रॉम, तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला, वायरस है। अब 143वां देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि ब्लैक हार्ट इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, तो किसका है ये, तो पोटैटो का है, सी ऑप्शन इसका सही है। अब 144 देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें आपका जो है सी वाला जो है गलत है, मतलब ऑप्शन के रूप में यह सही है लेकिन ये जो वीट में जो होता है रेड रस्ट नहीं लगता है, तो बाकी मस्टर्ड में जो होता है वाइट रस्ट लगता है, पैडी में ब्राउन स्पॉट आता है और ग्राउंड नट में टिक्का डिजीज लगता है। तो अगला देखते हैं, टुंगो डिजीज ऑफ राइस इज स्प्रेड बाय, तो 145वां का जो राइट ऑप्शन है आपका ए वाला सही है, नेफोटेटिक्स विरेसेंस, तो ए वाला आपका इसमें सही है। अब अगला देखते हैं, पनामा विल्ट इज ए डिजीज ऑफ, तो इसका जो है राइट आंसर डी वाला है, बनाना। अब 147वें में है, सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मोस्ट एक्टिव एट, किस पे एक्टिव रहते हैं ये ज़्यादातर, तो 34 से 36 डिग्री सेल्सियस, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब अगला देखते हैं, अब 148 देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है वी ए एम क्या है ये, ये एक जो है आपका फंजाई है। अब अगला देखते हैं, 149वां, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज ऑफ एप्पल, तो बंची टॉप इसका राइट ऑप्शन है, बंची टॉप जो है एप्पल में नहीं लगता है, डी वाला सही है आपका। अब 150वां देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है बक आई रॉट इज ए डिजीज ऑफ विच क्रॉप, तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला, वाटर चेस्टनट है। अब अगला देखते हैं, अब 151 वाला है कि द मेजर स्टोरेज फंजाई दैट इफेक्ट्स द फूड ग्रेन इज, तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका ए डी वाला सही है, एस्परजिलस है। अब 152 देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि लूज स्मार्ट इज कंट्रोल्ड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी वाला है, सीड ट्रीटमेंट करके हम इसको लूज स्मार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब 153 देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है येलो लीफ मोजैक ऑफ भिंडी क्रॉप स्प्रेड बाय, तो यह जो होता है जैसिड एंड बोरर्स हैं, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब अगला देखते हैं, 154 में दिया हुआ है येलो वेन मोजैक ऑफ एबल मॉचस एस्कुलेंटा इज स्प्रेड बाय, तो 154 का जो राइट ऑप्शन है ए वाला है, बेमिसिया टबैकी। अब अगला देखते हैं, 155 में कहा है
येलो मोज़ेक वायरस डिजीज ऑफ मूंग स्प्रेड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है बी वाला है, या फिर क्रैसी बुरा है। अब अगला देखते हैं, हेटीरो डेरा एवेनी इज, तो 156 का राइट ऑप्शन जो है ये आपका बी वाला है, सिस्ट निमेटोड है। अब अगला देखते हैं, अब 157 वाले में है, विच ऑफ द डिजीज इंड्यूस फ्लोरल एबनॉर्मलिटीज, तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका डी वाला है। इसमें दिया गया है बोथ बी एंड सी दोनों सही हैं, तो बी में दिया हुआ है ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा और सी में दिया हुआ है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। अब अगला देखते हैं, अब 158 में दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट इज बिगिंग कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड एज बायो कंट्रोल एजेंट, तो इसका राइट ऑप्शन है डी वाला, ट्राइकोडर्मा विरिडी। अब अगला देखते हैं, 161 में दिया हुआ है, पनामा डिजीज ऑफ बनाना इज प्रिवेंटेड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है सी वाला, एप्लीकेशन ऑफ लाइम, लाइम मतलब चूना टू द सॉयल। अब 160 वाला देखते हैं, इसमें दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगीसाइड इज नॉट सिस्टमिक इन नेचर, तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी वाला है, थायरम है। अब अगला देखते हैं, तो अगला है 161, तो इसमें लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज या और इंटमो पैथोजेनिक फंजाई, तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी वाला है, बोथ ए एंड बी दोनों। अब ए में लिखा हुआ है बुवेशिया बेसिना और बी में लिखा हुआ है मेटारिजियम एनी स्पोरली। अब अगला देखते हैं, अब 162 में दिया हुआ है, विच पेनिसिलियम स्पेसीज यूज्ड इन चीज़ मेकिंग, चीज़ मतलब होता पनीर, तो इसका राइट ऑप्शन है पेनिसिलियम रोक्टोफोर्टी, तो बी वाला इसमें सही है। अब अगला देखते हैं, 163 में दिया हुआ है, लिटिल लीफ इन ब्रिंजल इज काजस बाई, तो यह आपका माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अब अगला देखते हैं, तो 164 में दिया हुआ है, बैक्टीरियल डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ केमिकल, किस केमिकल के यूज करने से हम बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है 164 में आपका है एंटीबायोटिक का आपका प्रयोग करना पड़ेगा। अब अगला देखते हैं, 165, तो एप्लीकेशन ऑफ पोटास इंक्रीज, तो इसका राइट ऑप्शन जो है 165 वाले का सी वाला है, डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट। अब 166 देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज सॉयल इज कैरिड आउट बाय, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए वाला है, बैक्टीरिया। अब 167 देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा पेयर जो है करेक्ट नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी वाला है, ट्राइलेचुलस जो है सिस्ट नेमेटोड से रिलेटेड नहीं है, तो यह गलत है।
और ऑप्शन के तौर पे यह सही है। अब अगला देखते हैं, 168 में दिया हुआ है, द रूट नॉट नेमेटोड जनरली हैव इंटरेक्शन विथ, तो इसका राइट ऑप्शन जो है पर्सिडोमोनास सोलेनेसियरम है, ए वाला आपका सही है इसमें। अब अगला देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है 169 में, द लीव्स ऑफ पूनगेमिया ग्लैब्रा एंड एजार डिरेस्टा इंडिका रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका है 169 का ए वाला है, रूट नॉट नेमेटोड। अब अगला देखते हैं, तो 170 में लिखा हुआ है, मैरगोसा इज ए हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट इन रिड्यूसिंग रूट नॉट पॉपुलेशन बिलोंग्स टू, तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी वाला सही है, एजार डिरेस्टा इंडिका है। अब अगला देखते हैं, तो 171 में लिखा हुआ है, द नेमेटोड हेट्रोडेरा एविनी इज कॉन्फाइंड टू द ग्रेमिनी फैमिली एक्सेप्ट वन सिंगल लेग्यूम, तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका डी वाला है, सेनेबियेरा पिनाटी फोलिया, डी वाला ऑप्शन है इसमें आपका सही है। अब 172 देखते हैं, तो द टर्म वायरस वाज फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय, किसने दिया था, तो विजर्निक जी ने दिया था, बी वाला सही है आपका। अब 173 देखते हैं, वायरसेस कंटेंट, तो इसमें आता है आपका जो राइट ऑप्शन है डी वाला है, इसमें लिखा हुआ आइदर आरएनए और डीएनए, नेवर बोथ, मतलब या तो आरएनए या तो डीएनए, दोनों कभी एक साथ नहीं। तो अब अगला देखते हैं, अब 174वां है, द मैच्योर पार्टिकल ऑफ ए प्लांट वायरस इन जनरली नाउ एज, तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी वाला है, वायरियन है। अब अगला देखते हैं, 175वें में दिया हुआ है, द कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस पार्टिकल्स कंटेंट, तो इसमें जो है आपका बी वाला सही है, डीएनए है। अब अगला देखते हैं, तो अगले 176 में दिया हुआ है, आर प्लांट वायरसेस कंटेंट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी वाला है, आरएनए है। अब अगला देखते हैं, तो 177 में दिया हुआ है, द वायरसेस विच आर यूजुअली हेल्प्ड और एकॉम्पेनाइड बाई स्मॉलर स्फेरिकल पार्टिकल्स ऑफ अनदर सेरोलॉजिकली अनरिलेटेड वायरस नाउ एस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है उसका ए वाला सही है आपका, सैटेलाइट वायरस है। अब अगला देखते हैं, अब 178 में दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका जो करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग जो है इसमें से कौन सा है, तो डी वाला जो है सही है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, तो इसमें पहला लिखा हुआ है हाइपोट्रॉफी डिक्रीज इन साइज, और दूसरा है हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ता है और निर्वृद्धि होती मतलब, और उसके बाद हाइपरप्लाजिया में दिया हुआ है इंक्रीज इन नंबर,
तो मतलब इसका डी वाला सही है, और डी वाला सही होने का मतलब ए बी सी तीनों आपका जो है पेयर सही है। तो अब अगला देखते हैं, इन प्लांट बकलिंग पकरिंग एंड ब्लिस्टरिंग सिम्टम्स आर प्रोड्यूस बाई, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये आपका सी वाला है, वायरसेस। अब अगला देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है द फंजाई विच ट्रांसमिटेड प्लांट वायरसेस बिलोंग टू क्लास, तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी वाला है। डी में लिखा हुआ है प्लाज्मोडायफोरा माइसिटिस। अब अगला देखते हैं, अब 181 में दिया हुआ है फॉर क्विक एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ वायरसेस कैन बी डन बाय, तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी वाला है। ऑल ऑफ दिस पहले में है ELISA ELISA, और बी में हदाश HDAS, और सी में जो था IEM है। अब 182 देखते हैं, पोटैटो वायरस डिजीज आर स्प्रेड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन जो है एफिड है, एफिड्स हैं, ए वाला सही है आपका। अब 183 में दिया हुआ है लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो इज स्प्रेड बाय, तो राइट आंसर जो है इसमें आपका बी वाला है, वाइट फ्लाई है। अब अगला देखते हैं, अब 184 में दिया हुआ है बंची टॉप ऑफ पपाया इज स्प्रेड बाय, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका डी वाला है, लीफ ऑपर। अब अगला देखते हैं, येलो मोजैक ऑफ लेग्यूम्स वाज फर्स्ट रिपोर्ट इन इंडिया फ्रॉम, इंडिया में कहाँ किया गया था पहली बार, तो दिल्ली है इसमें। अब 186 देखते हैं, द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बंची टॉप ऑफ बनाना इज ट्रांसमिटेड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए वाला है, पेंटालोनिया नाइग्रो निवोसा है। अब अगला देखते हैं, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबल डिजीज इज ट्रांसमिटेड, किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, तो यह जो है आपका मैकेनिकली होता है, ए वाला आपका सही है। अब अगला देखते हैं, तो 188 में दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग मैच आइटम्स, तो करेक्ट पेयर हमको इसमें से खोजना है, तो डी वाला सही है इसमें, ऑल ऑफ दिस सभी इसमें सही हैं, यानी कि ए वाला भी सही है, तब बी वाला भी सही है, और सी वाला भी सही है। तो ए में दिया क्या है देख लेते हैं, लिखा हुआ है होलो स्टेम पोरोसाइट, तो इसका सही दिया गया है कास्कुटा रिफ्लेक्सा के द्वारा होता है, और फिर बी वाला है स्टेम सेमी पैरासाइट, इसका राइट है डेंड्रो पथो फालकाटा। अब सी वाला देखते हैं, इसमें होलो रूट पैरासाइट दिया हुआ है, तो इसका भी सही है, ओरोबैंकी है। अब अगला देखते हैं, तो 189 में दिया हुआ है सुसाइडल जर्मिनेशन टेक प्लेस इन, तो स्ट्रिगा है, बी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 190 वाला है, इसमें लिखा हुआ है ओजोन इज टॉक्सिक टू एक्सपेंडिंग लीव ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ प्लांट एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्वल और मोर देन, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए वाला सही है, 0.1 ppm है। अब 191 वाला देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक टू प्लांट
एट और अबव। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है बी वाला है, 0.3 से 0.5 ppm है। अब अगला देखते हैं, अब 192 देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज़ द रिज़ल्ट ऑफ, तो ऑप्शन इसका राइट जो है वो डी वाला है। डी वाला सही होने से मतलब डी में लिखा हुआ ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी सही हैं इसमें। तो ए में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसिट। बी में क्या दिया हुआ है, पुअर वेंटिलेशन इन द स्टोर। और सी में क्या दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर ऑफ सॉयल ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन ऑफ ट्यूबर्स इन द क्रॉप फील्ड। तो ये तीनों इसमें सही हैं। अब अगला देखते हैं, तो 193 में दिया हुआ है द बोर्डिक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाई मिलरडेट एट बोर्डिक्स इन फ्रांस इन ईयर। किस ईयर में किया गया था, तो 1885 में किया गया था। बी वाला आपका सही है। अब अगला देखते हैं, तो 194 में लिखा हुआ है द बोर्डिक्स मिक्सचर वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ। किसके कंट्रोल के लिए बोर्डिक्स मिक्सचर का पहली बार यूज किया गया था, तो इसमें है आपका डाउनी मेड्यूल ऑफ ग्रेप वाइन। अब अगला देखते हैं, बर्गंडी मिक्सचर कंटेन्स सोडियम कार्बोनेट इन प्लेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एज इन बोर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड इन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका बी वाला सही है, 1887 है। अब अगला देखते हैं, तो 196 में दिया हुआ है डैम्पिंग ऑफ एंड लीफ ब्लाइट आर वेरी इफेक्टिवली चेक बाई। तो डैम्पिंग और ऑफ और लीफ ब्लाइट के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा रहेगा, तो इसमें से है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपका सही है, डी वाला आपका सही है इसमें। अब अगला देखते हैं, तो इसमें है 197 में दिया हुआ है कि द ऑर्गेनो मर्क्यूरियल फंगीसाइड यूज फॉर ड्राई सीड ट्रीटमेंट यूजुअली कंटेंट मर्क्यूरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी वाला है, 1%। अगला देखते हैं, 198 में दिया हुआ है डाइनोकार्ब इशूड इन मार्केट। तो इसका राइट ऑप्शन है डी वाला सही है इसमें, कैराथेन। अब अगला देखते हैं, तो 199 में दिया हुआ है वोन स्कैबलिंग एंड कुलका फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेटेड द सिस्टमिक एक्टिविटी ऑफ फंगीसाइड इन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही है, 1966। अब अगला देखते हैं, तो 200वां क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि सेलेक्ट द सिस्टमिक फंगीसाइड। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज है, तो ऑल ऑफ दीज का मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है आपका। तो ए में दिया हुआ है पायरिमिडिन्स, और बी में दिया हुआ है ट्रायाजोल्स, और सी में दिया हुआ है मेटाक्साइल। तो ये आपका तीनों सही हैं। तो एक क्वेश्चन से इसमें लिखा हुआ है विच सिस्टमिक फंगीसाइड वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय वोन स्कैमलिंग एंड कुलका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए वाला है, ऑक्सैथिन है। अब अगला देखते हैं,
तो 202 में दिया हुआ है कि इसमें टिक आउट द पेयर विच इज रॉन्गली मैच, मतलब जो गलत इसमें मैच है वो कौन सा पेयर है। तो 202 का जो है बी वाला गलत पेयर है कारबॉक्सिन को बेन वायलेट से मैच कराया है, तो यह गलत है बैनलेट यहाँ पर गलत है। अब अगला देखते हैं, 203 में दिया हुआ है विच एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई फ्लेमिंग 1922। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए वाला है, पेनिसिलिन है। अब अगला देखते हैं, तो 204 में दिया हुआ है सेलेक्ट द नेमेटिसाइड ग्रुप विच आर नॉन फ्यूमिगेंट इन नेचर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी वाला है, एल्डिकार्ब एंड फोरेट। अब अगला देखते हैं, तो 205 में दिया हुआ है टिक आउट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है बी वाला है, फोरेट का लिखा हुआ नीमा चूर, ये गलत है इसमें। अब अगला देखते हैं, तो 206 में लिखा हुआ है नेमेटिसाइड इनहैबिट विच एंजाइम ऑफ नर्वस सिस्टम इन किलिंग ऑफ नेमेटोड्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी वाला है, एस्टिल कोलिनेस्टेज है, डी वाला इसमें सही है। अब अगला देखते हैं, 207 में दिया हुआ है मेजर जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट्स डिजीज रेजिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए वाला है, वर्टिकल रेजिस्टेंस होते हैं। अब अगला देखते हैं, ए वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय देम इज कॉल्ड एस। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी वाला है, बैक्टीरियोफेज आता है। अब अगला देखते हैं, अब 209वें क्वेश्चन में दिया हुआ है द साइंस विच डील्स विथ काजेज ऑफ द प्लांट डिजीज एंड नेचर ऑफ द काजल एजेंट। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी वाला है, जिसमें लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी, मतलब दोनों सही हैं। तो बी में दिया हुआ है इटियोलॉजी और सी में एटियोलॉजी दिया हुआ है। तो अब अगला देखते हैं, 210वां, तो 210 वाले में दिया हुआ है द सेक्सुअल थिक वॉल एंड रेस्टिंग स्पोर्स ऑफ द रस्ट फंजाई इज नाउ एस। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका टिलियो स्पोर्स है, जो कि सी वाला आपका सही है। अब अगला देखते हैं, तो 211 में लिखा हुआ है हु डिस्कवर्ड द डाउनी मिड्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ए वाला आपका इसमें सही है, ईजे बटलर जी हैं इसमें। अब अगला देखते हैं, तो 212 में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल सेल फंजाई। तो इसमें आपका ए वाला सही है, यीस्ट है। अब अगला देखते हैं, तो 213 में दिया हुआ है व्हाट इज द सोर्स ऑफ अगर अगर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी वाला है, एल्गी है इसमें। अब अगला देखते हैं,
तो 214 में दिया हुआ है, टिक आउट द वीड फंजाई फॉर लैब। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए वाला है, एस्परजिलस दिया हुआ है इसमें। अब अगला देखते हैं, एमएलओ एंड स्पायरोप्लाज्मा आर मोस्टली, तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी वाला है। तो बी में दिया हुआ है फ्लोएम इनहैबिटिंग, ये वाला आपका सही है। अब 216 देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है हु इज़ द फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो राइट ऑप्शन जो है ए पी मिचेली जी हैं, बी वाला आपका सही है इसमें। अब अगला देखते हैं, तो 217 में दिया हुआ है मेट काउ डिजीज इज काजेस बाय, तो पिरियोन द्वारा होता है, बी वाला आपका इसमें सही है। अब अगला देखते हैं, तो 218 में दिया हुआ है मोस्ट वाइडली यूज बाय कंट्रोल एजेंट इज, तो इसमें राइट ऑप्शन जो है ए वाला सही है, परसिडोमोनास फ्लोरेसेंस है। अब अगला वाला देखते हैं, तो 219 में दिया हुआ है मोस्ट वाइडली यूज्ड फंगीसाइड फॉर रस्ट फंजाई इज, तो राइट ऑप्शन जो है इसमें प्लांट वैक्स है, बी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, तो 220 में दिया हुआ है मोस्ट वाइडली यूज्ड फंगीसाइड फॉर स्मट फंजाई इज, तो राइट ऑप्शन आपका ए वाला है, विटावैक्स है। अब अगला देखते हैं, तो 221 में दिया हुआ है रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंट कॉल्ड, तो इसमें आपका जो सही है ए वाला है, वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है। अब अगला देखते हैं, तो 222 में दिया हुआ है व्हेन प्लांट सोड द पार्शियल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑल द रेसेस ऑफ पैथोजन देन इट इज ए टाइप ऑफ, तो इसका आपका राइट ऑप्शन जो है 222 का ए वाला है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है। अब अगला देखते हैं, तो 223 में दिया हुआ है विच इज मोस्ट रिसेंट वाइडली यूज फंगीसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू, तो कैलेक्सिन का प्रयोग करते हैं, ए वाला आपका सही है इसमें। अब अगला देखते हैं, तो 224 में है विच फंगीसाइड इज यूज्ड अगेंस्ट डाउनी मिड्यूल, तो इनमें से जो आपका सही है वो है मेटाक्साइल, ए वाला सही है। अब 225 वाला हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई एलिजा टेक्निक, ELISA टेक्निक, तो इसमें आपका सही है ऑप्शन वायराइड को। अब अगला देखते हैं, तो 226 में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनाकुलम फॉर स्टेम रस्ट ऑफ इट फॉर साउदर्न एंड सेंट्रल इंडिया, सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया, तो इसमें आपका जो है ए वाला ऑप्शन आपका सही है, यूरिडियो स्पोर प्रोड्यूस इन नीलगिरी एंड पालनी हिल ड्यूरिंग ऑफ सीजन ऑफ द क्रॉप। तो अब अगला देखते हैं,
तो 227 में दिया हुआ है मैच लिस्ट वन जो कि वायरस जिनरा है विथ लिस्ट टू जो कि मेंबर है एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये कोड दिया हुआ 1 2 3 4 और इसमें ABCD दिया हुआ है। तो इसमें मैं आपको सही बता दूं तो राइट आंसर है आपका बी वाला। तो बी वाला है तो अब इसमें ए जाएगा जो बांधा दिया हुआ है ये जुड़ेगा आपका राइस टूंगरो वायरस से और जो लुटिया दिया हुआ है ये आपका पोटैटो लीफ रोल वायरस से जुड़ेगा पहला में जो है। अब जो आपका पॉल्ट्री दिया हुआ है ये आपका जाके जुड़ेगा पोटैटो वायरस से जो तीसरे नंबर पे है। चौथा दिया हुआ है टोस्पो ये आपका जो है दूसरे वाले पे जाके जुड़ेगा टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। अब अगला देखते हैं तो 228 में है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस NPV जिसको कहते हैं इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर कंट्रोल ऑफ। तो किसके कंट्रोल के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है तो हेलियोकॉर्पा आर्मिज़ेरा के लिए होता है। अब अगला देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है SR कांतवा जी के बुक का। तो प्लांट पैथोलॉजी का ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसमें लिखा हुआ है कि कंसीडर्ड द फॉलोइंग प्रोसेस ऑन होस्ट प्लांट अक्यूरिंग ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस। मतलब इसको हमको सीरियल वाइज करना है तो राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूं तो आंसर इसका सी वाला है। तो पहले पे आता है लैंडिंग ऑफ इनाकुलम, दूसरे पे आता है जर्मिनेशन और तीसरे पे आता है पेनिट्रेशन आता है और चौथे पे आता है रिकग्निशन आता है और पाँचवें पे आता है स्टेबलिशमेंट आता है और स्पोरुलेशन आता है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और इसे आपको अपने दोस्तों में शेयर करना ज़रूरी है।